बंगाल में आज फिर एक्शन है और कल छात्रों पर लाठीचार्ज, पानी की बौछार और गिरफ्तारी पर बवाल है। तो आज बीजेपी की बंगाल बंद का उबाल है और सुबह से ही बंगाल बंद को कामयाब बनने के लिए बीजेपी जुट गई है। बीजेपी के बड़े नेता विधायक सड़क पर उतर आए हैं। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल दुकानें बंद कराती दिखी। जैसे ही सियासी बंद में हो वैसे पूरे बंगाल में बीजेपी बंद का असर दिखने रहा है और ट्रेनें रोकी गईं, पटरियों पर बीजेपी की कार्यकर्ता का जमावड़ा हो गया, पुलिस स्टेशन से बसों को निकालने के लिए दिया जा रहा, कई जगहों पर आगजनी की खबरें सामने आई। बंद को नाकाम करने के लिए ममता सरकार ने काफी सख्त कदम उठाए, लेकिन पुलिस का कड़ा पहरा भी था। सरकारी कर्मचारी की अल्टीमेटम दिया गया और छुट्टी के लिए पैसे काटेंगे, यानी वो बिल्कुल छुट्टी नहीं कर सकते। पूरे बंगाल में अब बीजेपी बंद का असर दिखने लगा। हालांकि टीएमसी भी बीजेपी के इस विरोध प्रदर्शन के खिलाफ विरोध कर रही है, वो भी ट्रेन रोक रही है और हुगली में रेलवे ट्रैक पर बीजेपी के कार्यकर्ता उतर गए तो वहां ट्रेन को रोक दिया और दुकानों को बंद कराया जा रहा है। सड़कों पर जमावड़ा लगा रखा है और बंद का असर पश्चिम बंगाल में नजर आ रहा है। कार्यकर्ता नेता पश्चिम बंगाल की सड़कों पर उतरकर बंद का आह्वान कर रहे हैं और जो भी दुकानें खुली हैं उसको बंद करवा रहे हैं। पुलिस से लताड़े भी लग रही हैं और पुलिस कहीं लोगों को रोकती और गिरफ्त में लेती दिख रही है, लेकिन ये लोग का जमावड़ा अभी भी रोड पर चलता दिख रहा है। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक पर ट्रेन रोकते और पटरियों पर लेटते नजर आ रहे हैं। अब हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में बंद का आह्वान क्यों किया। दरअसल कल छात्रों ने प्रोटेस्ट किया था, छात्रों पर आंसू गैस के गोले इस्तेमाल हुए, लाठीचार्ज हुआ, कई लोग गिरफ्तार भी किए गए और कई लोग घायल भी हुए। उसी का विरोध करने के लिए बीजेपी के समर्थन आज रोड पर निकले हैं और बंद का आह्वान कर दिया है, लेकिन ममता सरकार एक्शन में है और पश्चिम बंगाल के सभी कर्मचारियों को सीधे तौर पर कहा गया कि अगर आप अपने काम पर और नहीं आए तो आपकी सैलरी काट ली जाएगी। सभी पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों को सरकार की ओर से ये नोटिस जारी कर दिया गया है और यहाँ पर बीजेपी की कोशिश ये है कि यहाँ पर बंद का असर दिखना चाहिए। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।